तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेटीएम ने अपना एक ऑफ़र लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले, पेटीएम पोस्टपेड के नाम से। तो दोस्तों, उस ऑफ़र में क्या होता था कि पेटीएम अपने सभी कस्टमर्स के लिए पेटीएम पोस्टपेड का ऑफ़र लेके आया था और उस ऑफ़र में आपको लोन दिया जाता था 20,000 या फिर 4,000 का, कुछ इसी प्रकार तक का आपको लोन दिया जाता था। तो वो आपको 500 या 1,000 रुपये आपके क्रेडिट स्कोर को देख के आपको लोन मिलता था वहाँ पे। तो दोस्तों, वो लोन सभी यूजर्स को नहीं मिलता था। तो दोस्तों, पेटीएम अब एक और ऐसा ही इसी प्रकार का एक ऑफ़र लेकर के आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ऑफ़र लेके आया है पेटीएम अपने मर्चेंट के लिए, मतलब अपने मर्चेंट अकाउंट के लिए लेके आया है, पेटीएम फॉर बिजनेस आईडी के लिए ये ऑफ़र आया है दोस्तों। तो अभी तक आपका पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट नहीं है, मतलब मर्चेंट अकाउंट नहीं है, और आप चाहते हैं कि मर्चेंट अकाउंट पर मैं एक वीडियो बनाऊँ कि किस प्रकार से मर्चेंट अकाउंट बनाया जाता है, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं कल का कल वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के ऑफर की तरफ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप पेटीएम मर्चेंट का लोन वाला ऑफर उसके लिए एप्लीकेबल होकर उस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले पेटीएम फॉर मर्चेंट वाला, मतलब पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट वाला ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे एक नया यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट बिजनेस लोन न्यू। तो दोस्तों, ये एक नया फीचर आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम पहले क्लिक करते थे, हमको डायरेक्टली बोल देता था कि आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है, बोल तो ये दोस्तों वही रहा है कि हम अभी भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये अपने कुछ मतलब फ्यू कस्टमर्स के लिए ये ऑफ़र एप्लीकेबल है, हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमें नीचे कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे पेटीएम ने हमें बताया है कि हम इन नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके लोन ले सकते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस आईडी से। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको बता रहा है इंक्रीज योर चांसेस लोन ऑफर फ्रॉम पेटीएम बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे हमें कुछ स्टेप दिखाई दे रहे हैं, तो इन स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें पेटीएम की तरफ से पक्का लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बता रहा है, पहला स्टेप है यहाँ पे हायर कलेक्शन एंड ग्रोथ इन कलेक्शंस, मिनिमम आरएस 5,000 मंथ। तो दोस्तों, पहला इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों, हमें हर महीने 5,000 रुपये, मतलब जितना ज़्यादा हम यहाँ पे हर मंथ पेमेंट कलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से हमें लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम हमको 5,000 रुपये तो यहाँ से मतलब हर मंथ कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, तभी हम इस लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप 5,000 से ज़्यादा का हर मंथ कलेक्ट करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आते हैं दोस्तों, तो ये है कलेक्ट पेमेंट्स रेगुलरली मिनिमम 3 मंथ्स ऑफ पेमेंट हिस्ट्री इज रिव्यूड। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा कंडीशन आ रही है। तो ये बता रहा है कि हमको मिनिमम 3 महीनों के लिए पेमेंट 5,000 से ऊपर का पेमेंट कलेक्ट करना होगा रेगुलरली 3 मंथ्स। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, मई चल गई, तो मई जून जुलाई, जैसे मई में आपको 5,000 या उससे ज़्यादा का लेना है, तो जून जुलाई में भी आपको 5,000 और उससे ज़्यादा का, मतलब रेगुलरली आपको 3 महीनों तक 5,000 और उससे ज़्यादा का पेमेंट कलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब दोस्तों, तीसरी कंडीशन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आ रही ग्रोइंग बिजनेस कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम ए मिक्स ऑफ बोथ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स। तो दोस्तों, इसकी तीसरी कंडीशन आ रही है कि आपको मतलब लोन मिलेगा तो वो आपको इसके हिसाब से मिलेगा कि आपको जो पेमेंट, मतलब आपको जो कस्टमर्स पेमेंट भेजते हैं आपके बिजनेस आईडी में, तो आप उनमें से कितने का पेमेंट एक्सेप्ट करते हो और कितने का पेमेंट वापस से रिटर्न करते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको किसी ने 100 रुपये भेज दिए और आपने उस 100 रुपये को वापस से रिटर्न कर दिया, तो उसमें काउंट नहीं होगा और वो आपकी हिस्ट्री चेक करेगा पेटीएम, फिर ही आपको लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो दोस्तों, ये भी चेक कराएगा कि आपको कौन कितनी, मतलब कौन सा कस्टमर कितना पैसा भेज रहा है और आप कितने को वापस से रिटर्न कर रहे हो, तो ये भी आपके यहाँ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी तीसरी कंडीशन। और दोस्तों, अब आते हैं चौथी कंडीशन की तरफ। तो दोस्तों, चौथी कंडीशन ये है, ये बता रहा है कंप्लेंट फ्री ट्रैक रिकॉर्ड एंड द सर्विस यू हैव अवेल्ड फ्रॉम पेटीएम। तो दोस्तों, ये बता रहा है हमको मतलब पेटीएम के किसी भी प्रकार का मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने अकाउंट में, कोई भी मतलब यहाँ पेटीएम अकाउंट आपका मतलब किसी भी प्रकार से ब्लॉक या फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप मतलब इस ऑफर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इसकी चारों कंडीशन। तो आप दोस्तों, इन चारों कंडीशन को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं तो पेटीएम आपको पक्का पेटीएम बिजनेस लोन आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों, इस ऑफर के लिए मैंने मतलब अप्लाई कर दिया है, और किस प्रकार से अप्लाई किया मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस ऑफर के लिए मैंने इस प्रकार से अप्लाई किया, तो आपको मैं सबसे पहले डेट रेंज में जाके अपना पेमेंट बता देता हूँ। तो मैं अपने डेट रेंज में जा रहा हूँ, आप 2 मिनट रुकिए, वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के मैं 30 अप्रैल को आपको पेमेंट दिखाता हूँ अपना। तो दोस्तों मैंने 6028 रुपये कलेक्ट किए हैं 1 महीने, मतलब अप्रैल महीने में। अब दोस्तों मई और जून में भी मेरे को 5000 से ऊपर का पेमेंट कलेक्ट करना है। तो आपको जून के अंदर या जुलाई के अंदर मेरे को अगर लोन मिल जाता है तो मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी बता दूंगा। तो दोस्तों मैंने इस ऑफर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है, मैंने 1 महीना हो गया मेरे को इसका, मतलब 5000 से ऊपर का 1 महीने का पेमेंट कलेक्ट कर चुका हूँ। अब 2 महीने और मेरे को 5000 से ऊपर का कलेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मेरे को लोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों यह था इसका थीम्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि अगर आपको पेटीएम बिजनेस अकाउंट बनाना नहीं आता है, क्रिएट करना नहीं आता है, और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं कल का कल इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार से आप पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट, मतलब पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आप जो पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करते थे तो उस पर आपको 4% का टैक्स लगता था, मतलब 100 रुपये पे 4 रुपये। तो अगर आपका पेटीएम मर्चेंट अकाउंट होगा तो दोस्तों आपको फ्री, मतलब पेटीएम वॉलेट के बैलेंस को आप फ्री के अंदर अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगे बिल्कुल इंस्टेंटली, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी जीरो फ्री, जीरो चार्जेस पे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।